नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएचयू बल्ब पे। आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू क्रैक बीएचयू एंट्रेंस इन एलएलबी। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि हमने बीएचयू में होने वाले सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि बहुत सारे विषयों की तैयारी कैसे की जाए और इसमें कैसे दाखिला लिया जाए, इसके बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें और लाइक करें। और हाँ दोस्तों, आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं जिससे कि हमें सुझाव मिल सके और हमारी शिकायत भी आप कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप हमें कमेंट में डालें ताकि मैं आपको आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूं। मैं अपने कमेंट में आने वाले सभी मैसेज का जवाब देते हैं और उसे अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ आपके रिश्तेदारों और आपके सभी दोस्तों को भी इसका फायदा पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमसे और हमारे टीम से फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप फेसबुक के सर्च पे जाकर के @worldbhu क्लिक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम सीधा बात करते हैं हाउ टू क्रैक बीएचयू एंट्रेंस इन एलएलबी। दोस्तों, एलएलबी 3 साल का कोर्स होता है जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2+3 यानी ग्रेजुएशन आपका मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तब भी आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस कोर्स के थ्रू पढ़ाई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। बीएचयू डिस्टेंस कोर्स और ओपन यूनिवर्सिटी का कोई भी ऐसा प्रोवाइड नहीं कराता है, ना तो जो स्टूडेंट इससे पढ़कर आए हैं उनके लिए कोई भी कोर्स ऑफर करता है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.bhuonline.in पे भी आप सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल ये कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू 3 मार्क्स की होगी। अगर आप 150 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 150 × 3 यानी आपको 450 नंबर आएंगे। और वहीं अगर आप गलत अटेम्प्ट लेते हैं तो निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 आपका मार्क्स कटेगा। दोस्तों, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन जीके का होता है। जीके में वैसा जीके होता है जो लीगल नॉलेज से रिलेटेड हो, यानी कि संविधानिक, कंस्टिट्यूशनल। कंस्टिट्यूशनल में भी वैसे जीके होते हैं जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं, चाहे उस न्यायिक व्यवस्था का संबंध करेंट अफेयर्स में चल रहे किसी घटनाओं से हो, चाहे इतिहास में हुई किसी घटनाओं से हो। कैसे कैसे हमारा कानून बना है, कैसे कैसे हमारा संविधान बना है, उन सभी चीज़ों को बारीक से रखकर सारे क्वेश्चन का पैटर्न बनाया जाता है। ठीक, आगे 30 से 40 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रतिशतता यानी परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन जैसे सब्जेक्ट से होते हैं, और कुछ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी होती है जो कि फॉर्मूला पुटिंग बेस्ड पे होते हैं। और 15 से 20 क्वेश्चन PCB जो कि 10th से 12th लेवल पे थोड़ी बहुत होती है। PCB का यहाँ मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों, फिजिक्स का थोड़ा बहुत फॉर्मूला पुटिंग ही सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको यहाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफ़ी हल्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एक 10th क्लास का लेवल का होता है, जो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। और बायोलॉजी से आपके शारीरिक बीमारी और उसके उपचार और इसका कैसे संरचना है शरीर का, सूक्ष्म जीवों के बारे में, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद बारी आती है 10 नंबर करेंट अफेयर्स की। दोस्तों, अगर आपको इसमें एंट्रेंस में 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि हमारे दिनचर्या में से रिलेटेड होंगे, कि समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड होंगे, कभी कहाँ क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा बड़ा डिसीजन आया, कि हमारे देश दुनिया समाज में क्या हो रहा है, उससे क्वेश्चन आएंगे। और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से या इंग्लिश से,
आप इनमें से दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, या तो आपको हिंदी का सेक्शन चुनना होगा या इंग्लिश का क्वेश्चन चुनना होगा। दोस्तों आपको एक बार बताते हैं कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका लेवल सीजीएल जैसा होगा, जैसे एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, फाइंड एरर, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होंगे। फिर 15 से 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहता है जिसे आप काफी आसानी से समय रहते बना सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको मैं और बताता हूँ, ये 30 से 40 नंबर जो मैथमेटिक्स के होते हैं ये भी लगभग सीजीएल प्री लेवल का ही क्वेश्चन होता है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अब बारी है स्टडी मटेरियल की, यानी कि हम पढ़े तो कहाँ से पढ़े। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर BHU LLB, यानी कि BHU में LLB का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसे आप कम से कम पिछले 5 साल का आप डाउनलोड कर लें। आप www.bhuonline.in पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आप क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट का प्रीवियस ईयर पेपर से भी आप सहायता ले सकते हैं। किस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उठाई जाती है। दोस्तों लुसेंट से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, लुसेंट से लीगल पोर्शन यानी सिर्फ लीगल पोर्शन, पूरा लुसेंट की मोटी बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके लीगल पोर्शन को आप ध्यान में रख करके जैसे पॉलिटिकल पोर्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन को आप अच्छे से पढ़कर याद करके आप एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स यानी संशोधन, सेक्शन यानी धाराएं। दोस्तों आप संविधानिक जितनी भी अनुच्छेद हैं, आप जितनी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आप उसे अच्छे से पढ़ लें। अमेंडमेंट जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं अब तक के संविधान में आप उसे अच्छे से पढ़ लें। सेक्शंस जो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेक्शंस हैं आप उसे पढ़ लें, क्योंकि ये सारे के सारे धाराएँ, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स हमारे क्वेश्चन में आते हैं, तो जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी हद तक मदद करेगा। और दोस्तों इन सभी के अलावा आप इंटरनेट के थ्रू भी सभी पेपर्स को पा सकते हैं, सारे स्टडी मटेरियल्स को पा सकते हैं। और तो और इसके साथ ही साथ अरिहंत बुक का भी एक पब्लिकेशन होता है जिसमें LLB एंट्रेंस के लिए बहुत सारे पैटर्न और वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न बताए हुए होते हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी के सही प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, एक क्वेश्चन का 4 विकल्प होंगे। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट की, टोटल 230 सीटें होती है जिसमें मेल एंड फीमेल किसी के लिए कोई रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे रिजर्वेशन सिर्फ कंस्टिट्यूशनल प्रोविजन पे आधारित है, लाइक OBC, ST&SC। दोस्तों इस 230 सीट के लिए 60,000 से भी ज़्यादा आवेदन आते हैं। आप सोच सकते होंगे कि वो कंपटीशन कितना टफ होता होगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इस एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया किस तरह से आप स्टडी मटेरियल का यूज करें और कौन कौन से स्टडी मटेरियल का यूज कर सकते हैं, उसकी सहायता पर आप इसे कटअप को क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा LLB का कटअप बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, सिर्फ 180 ये लेकिन मिनिमम है, हो सकता है इसे 20-30 बढ़ भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन आने वाले एप्लीकेशन के संख्या पे। दूसरी बात दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि BHU एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ का इतना अच्छा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और उसके बीच हॉस्टल्स है। अगर आप यहाँ आते हैं पढ़ते हैं और अगर आप यहाँ के हॉस्टल्स के सदस्य होते हैं तो आपको अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप क्वालिफाई होते हैं 180 नंबर पे तो आपको हॉस्टल के लिए कम से कम 270 नंबर से ऊपर लाना होगा, क्योंकि हॉस्टल्स के लिए सीट मात्र 100 है, लगभग 100 सीट ही यहाँ हॉस्टल के लिए होते हैं जबकि पढ़ने के लिए 230 सीट है। दोस्तों लॉ स्कूल BHU 2 प्रकार के कोर्स को प्रोवाइड करवाती है, इसमें एक है 3 ईयर कोर्स LLB जिसकी अभी वर्तमान रैंकिंग 1st है, इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 1 है, और दूसरा पंचवर्षीय 5 ईयर कोर्स BA LLB जिसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 7th है। दोस्तों 3 वर्षीय कोर्स हमारे BHU में
जो करवाई जाती है, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करके आनी होती है, जबकि फिफ्थ ईयर के कोर्स के लिए आपके पास सिर्फ ट्वेल्थ की डिग्री होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप BA NLV में एडमिशन पा सकते हैं। महामना यानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, और कितनी गौरव की बात है कि हमारे विधि संकाय के वो प्रमुख भी यानी डीन रह चुके हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक शिक्षाविद के साथ साथ एक कानून के बहुत बड़े जानकार भी थे, और उन्होंने उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के रूप में भी कार्यरत थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम की होड़ मची हुई थी, उस वक्त भी ये गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने में एकजुट थे, और इन्होंने हमारे लॉ फैकल्टी की नींव रखी। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय विधि संकाय का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, अगर आपको BHU में लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे अच्छे तरीके से वही बता सकता है जो यहाँ एंट्रेंस देकर अभी पढ़ाई कर रहा है, जैसे कि मैं। दोस्तों, मैं आपसे YouTube के चैनल BHU वर्ल्ड के थ्रू आपसे जुड़ गया हूँ। अब आप हमारे इस BHU वर्ल्ड के चैनल पर सब्सक्राइब करके हमें कमेंट दे सकते हैं और अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।